पीछे से जोकर और पाताल देव मलोच कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं और अनोखे राक्षस को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जोकर ने अपना दिवाली की रॉकेट छोड़ी लेकिन अफसोस डैमेज नहीं कर पाए। मलोच ने भी तलवार का हमला किया लेकिन अफसोस कुछ पकड़ नहीं पाए। पीछे से एलिस्टर आ चुके हैं और उन्होंने प्रेटा को अपने बिजली के पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया लेकिन अफसोस जेफिस वहां पे अपना भाला लेकर पहुंच गए और थाने प्रेटा की गांड बचाने लगे। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभचिंतक सिनरमैन और जी हां, वो घड़ी अब आ चुकी है कि मैं अरीना ऑफ वैलर में भी कमेंट्री के वीडियोस बनाना चालू करूं। जो लोग एमएल से हैं उनको प्रोबेबली पता है कि मैं क्या करता हूं, मेरा चैनल किस चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन जो लोग अरीना ऑफ वैलर के लिए प्लीज़ दिल थाम के बैठे रहिए क्योंकि ट्रस्ट मी आप लोग लास्ट तक इन्जॉय करेंगे इसे। और जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं कमेंटेटर हूँ उनको मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने को वीडियोस नहीं मिल रहे थे और अगर वीडियोस ना मिले तो मैं कॉमेंट्रीज पे कर सकता हूँ। ओके, चलो बातें बहुत हो गई, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिए और लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार हो जाइए। आपको मेरी आवाज़ पसंद आए ना आए लेकिन इस वीडियो के अंत में आपके चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर होगी। धन्यवाद। मैच शुरू हो चुका है और दोनों मंडलियां अपने अपने खेतों की तरफ खेती करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेटा एक अंधे पंछी पर बैठकर खेतों की रक्षा करने की प्रयास कर रहे हैं और यहां पे थाने हमारे कमर सरका कर शायद लाल राक्षस को लेने की कोशिश करेंगे लेकिन बस उन्होंने देखा और पीछे गए। और यहाँ पे खोए पत्थर की मंडली यानी लॉस्टोन्स की टीम अनोखे राक्षस को लेने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे से जोकर और पाताल देव मलोच कुछ कांड करने की कोशिश कर रहे हैं और अनोखे राक्षस को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। जोकर ने अपना दिवाली की रॉकेट छोड़ी लेकिन अफसोस डैमेज नहीं कर पाए। मलोच ने भी तलवार का हमला किया लेकिन अफसोस कुछ पकड़ नहीं पाए। पीछे से एलिस्टर आ चुके हैं और उन्होंने प्रेटा को अपने बिजली के पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया लेकिन अफसोस जेफिस वहां पे अपना भाला लेकर पहुंच गए और थाने प्रेटा की गांड बचाने में लगे हैं। मैक्स भी अपनी उड़न कश्ती में बैठकर आ चुके हैं। प्रेटा अपनी जादुई लहर छोड़ने की कोशिश कर रहे और डैमेज करने की कोशिश कर रहे। जीनियल भी स्वर्ग लोक से पधार चुके हैं और लेकिन प्रेटा बस पीछे हटने की कोशिश कर रहे। शायद जीनियल ने गलती कर दी लेकिन अफसोस इसी के साथ उन्होंने टॉवल डाइव करते हुए थाने की हत्या कर दी लेकिन अफसोस प्रेटा की जादुई पक्षी की लहर उन्हें मारते हुए निकलते चली गई। इसे कहते हैं आसमान से टपके खजूर में अटके। मुरान ने रेतीला दलदल मारा और इसी के साथ एलिस्टर को उन्होंने सजा देने की कोशिश की और उसमें सफल हुए। मैच में 4 मिनट होने को है और यहाँ पे कुछ कांड होने वाला है। शायद एलिस्टर को उन्होंने कुप्चे में ले लिया है और उनका चीर हरण हो रहा है। एलिस्टर ने बिजली का पिंजरा मारते हुए थेन को कब्जा कर लिया लेकिन अफसोस जीनियल आकाश लोग से यहाँ पर धरती पर पधार चुके हैं लेकिन अफसोस काफी देर कर दी उन्होंने। पाताल लोक के राजा झाड़ियों में बैठ के वेलापंती करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अफसोस थाने ने उन्हें सूंघ लिया और उनको धक्का मारते हुए उनको जाने नहीं दिया जा रहा और इसी के साथ थाने का अल्टीमेट मारते हुए मलोच की हत्या हो गई। इस खेल में ओएमकेवी के मंडल के पास दो दो देवता हैं, एक जीनियल जो कि स्वर्ग लोक के हैं और दूसरे मलोच जो कि पाताल लोक से पधारे हैं। अब यहाँ से फिर से अनोखे राक्षस के लिए जंग लड़ी जा रही है और थाने की हेल्थ बहुत कमजोर नजर आते हुए लेकिन अफसोस उनकी मौत हो गई। यहाँ पे जेफिस किसी की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई शायद मुराड की हत्या करने में सफल भी हुए। मुराड को उन्होंने वापस अपने रेगिस्तान भेज दिया लेकिन अफसोस उनकी भी उसमें मौत हो गई। मलोच भी भागने की कोशिश कर रहे लेकिन वायलेट ने पीछे से कट्टा थमाते हुए उनकी हत्या कर दी बेरहमी। इसी के साथ खोए पत्थर वाले पहला टॉवर लेने का प्रयास कर रहे, प्रेटा अटैक कर रहे लेकिन अफसोस मैक्स को एलिस्टर ने बिजली के पिंजरे में बंद करने का प्रयास किया लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। प्रेटा की जादू की लहर मिस हो गई और जेफिस का भाला भी कुछ शक्तिशाली नहीं लग रहा है और एलिस्टर अपना बिजली का पट्टा मारते हुए पीछे हट गए। नीचे की गली में जोकर को तीनों ओर से घेर लिया था और प्रेटा की जादुई लहर धमाका करते हुए उनकी हत्या कर दी। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऊपर की गली में एलिस्टर अपनी
सुन करने वाली हरी बिजली की पट्टी लगाकर मुराद को पेलने की कोशिश करे, लेकिन अफसोस मुराद अपना स्टैक बना कर आए और वो अल्ट आने की कोशिश किए, लेकिन अफसोस एलिस्टर के पास उनका बिजली का पिंजरा नहीं था, नहीं तो मुराद को कैद करके वो मार सकते थे। खोए पत्थर वाली मंडली ब्लू का राक्षस चुराने की प्रयास कर रहे, लेकिन अफसोस जोकर ने अपना रॉकेट छोड़ने की जीनियल श्रीमान स्वर्ग लोग से पधार चुके और मंत्र तंत्र का फूंक करके थाने को वापस जाने नहीं दे रहे, लेकिन थाने अपने मेंबर्स की जान बचाते हुए शहीद हो गए और ये पाताल लोक के राजा अंधाधुंध नर्क को धरती पर लेकर आने चाह रहे हैं। मुराद ने पंच रेतीला तूफान दिया, लेकिन अफसोस पीछे आते समय जेफिस उन पर भाले से हमला करने लगे, लेकिन अफसोस मुराद बड़े शातिर दिमाग के निकले और वो खिसक कर निकल गए। अब OMKV मंडलियों वाले इनकी खेती चुराने में लग गए और वायलेट दीदी नारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और जेफिस उनके खूबसूरती के मायाजाल में फंसते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें पता नहीं शायद कि नीचे से खोए पत्थर के दूसरे खिलाड़ी भी पहुंचने वाले। उन्होंने वायलेट पर हमला किया, लेकिन वायलेट ने अपना कट्ठा संभालते हुए पीछे हट गई और मुराद भैया वायलेट दीदी की जान बचाने के लिए सही वक्त पर पहुंच चुके हैं। मुराद भैया ने वायलेट दीदी के राखी का मान रखा उनकी जान बचाते हुए। खोए पत्थर बीच का टावर लेने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के साथ थाने अंदर गए जीनियल स्वर्ग लोग से पधार चुके हैं और एलिस्टर ने थाने को बिजली के पिंजरे में कैद कर उनकी हत्या कर दी और मैं लोग जो कि पाताल लोक के राजा वो भी पधार चुके, लेकिन अफसोस जोकर ने वायलेट पर लक्ष्मी बॉम्ब लगाते हुए उनकी लहंगा फाड़ दी। लगता है खोए पत्थर वाले अपने भतीजे मैक्स को अकेले छोड़कर आ चुके हैं, लेकिन वो उनसे भी चालू निकले और उड़न कस्टडी में बैठते हुए भागने की कोशिश कर रहे और प्रेटिया जादुई लहर छोड़कर शायद उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल रहे। खोए पत्थर वाले फिर से अनोखा राक्षस लेने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, मैक्स अकेले इसको हत्या करते हुए लिख रहे हैं, लेकिन जेफिस और जीनियल गलती से अंदर कूद गए थे, लेकिन वो हुलकी देते हुए डर कर सुरक्षित अपने टॉवर की हिफाजत में जा रहे हैं। ऊपर की गली में जीनियल तो अकेले दिख चुके हैं और उन्होंने ये गलती कर दी, वो स्वर्ग लोक के निवासी फिर से होने वाले हैं और इसी के साथ खोए पत्थर वालों ने उनका सामूहिक बलात्कार करते हुए उनको वापस स्वर्ग लोक भेज दिया। देवी और सज्जनों अब वो वक्त आ चुका है, खोए पत्थर वाले बड़े बंदर पर हमला करने की कोशिश करें, उसे केला खिलाने की कोशिश करें और अभी तक OMKV वालों को भनक शायद लगी नहीं है, लेकिन जेफिस उस खतरे को सुनते हुए बड़े बंदर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको केला खिलाकर बड़े बंदर को उन्होंने अपना लिया है और आखिर के टावर तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं खोए पत्थर वाले। थाने अपनी कमर सरकाते हुए अंदर जा चुके हैं, लेकिन जोकर ने उन पर लक्ष्मी बॉम्ब लगाया, जीनियल भी उनकी ऊपर कूद गए, लेकिन अफसोस कुछ उखाड़ नहीं पाए। मैलोक भी पाताल लोक बना चुके हैं धरती पर, लेकिन अफसोस किसी की भी मौत ना हो पाए उसमें प्रेटिया दूर दूर से अपने पक्षी के जादुई लहर छोड़ने की प्रयास कर रहे और एलिस्टर उनको दूर रखने के लिए उनकी हरी बिजली की पट्टियां सुन्न करने के लिए लगे, लेकिन अफसोस एलिस्टर बहुत कमजोर दिखे और दूर से प्रेटिया ने जादुई लहर का इस्तेमाल करते हुए उनकी हत्या कर दी और इसी के साथ टावर उन्होंने खा लिया है। मुराद बीच में जाकर रेतीला दलदल छोड़कर अपना पंच जख्म का तूफान देने की कोशिश करे और बहुत ही बेहतरीन डैमेज है और खोए पत्थर काफी अच्छा रणनीति लेकर आए थे पहली बार से ही। मैक्स ने दिवाली के रॉकेट ऊपर छोड़े और इसी के साथ मैच के अंत आते हुए बहुत ही बेहतरीन खेल खोए पत्थर वालों की तरफ से, मेरी उनको लाख लाख बधाइयां ये मैच जीतने के लिए। ये दोस्तों बेस्ट ऑफ थ्री का मैच था और ये पहला मैच है और दूसरे मैच अगले वीक पोस्ट किया जाएगा। अगर आपको मेरी कमेंट्री अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना मत भूलिए। आइए चलिए रिजल्ट शीट की ओर देखते हैं। जीतने वाले मंडली जो कि खोए पत्थर लॉस्टोन्स की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पद जाता है डैंक फ्लक्स को, जो कि प्रेटिया खेलकर अपने जादुई पक्षी के लहर छोड़ छोड़ के सबकी हत्या कर रहे थे, जिन्होंने 10 लोगों की हत्या की, 0 बार मरे और 8 असिस्ट किए। दूसरी तरफ OMKV ने बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन अफसोस वो टिक ना सके और उनकी तरफ से जोकर जो कि लोगों पर लक्ष्मी बम और दिवाली के रॉकेट छोड़ छोड़ कर हत्या करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अफसोस कुछ कर नहीं पाए और काफ़ी अच्छा डैमेज भी कर रहे थे। वो नकली MVP के विजेता हो गए 3 kills 2 deaths और 2 assists के साथ।
दोनों टीम दोनों मंडलियों की तरफ से बहुत ही अच्छा खेल। यही मेरा कॉमेंट्री समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।